इस मॉड्यूल में हम क्लास ओलिगोकेट्स की एक्सक्रीशन और इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे ओलिगोकेट्स में नॉर्मली बाकी एनीलिट्स की तरह जो स्ट्रक्चर हैं वो है नेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया की टाइप जो है मेटानेफ्रीडियम दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी एंड आर रिस्पांसिबल फॉर आयन एंड वाटर रेगुलेशन एज विद पोलिकीट्स इसके अंदर जो मेटानेफ्रीडिया हैं दे आर एसोसिएटेड इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी जस्ट एंटीरियर टू द सेगमेंट और इनके साथ ट्यूब्यूल्स हैं एक तरफ और दूसरा इनका एंड जो बाहर की तरफ ओपन करेगा उसको हम कहेंगे नेफ्रीडियोपोर जो वेस्ट मटेरियल है नॉर्मली नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स हैं और इसमें हैं अमोनिया और यूरिया ओलिगोकीट्स जो हैं

ये इनका फंक्शन आप समझ लें जिस तरह से वर्टी के अंदर लिवर का फंक्शन है इन टिश्यूज़ के अंदर का वही फंक्शन है यानी ये वो साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा अब क्लोरोजिन टिश्यूज जो हैं दे विल एमिनेट्स अमाइनो एसिड्स और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यूरिया जो है दैट इज़

नेफ्रिडियम के साथ जो है इस बॉडी का सीलोम दीज आर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस दैन पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म डग सेमिनल रिसेप्टिकल्स नर्व कॉर्ड, सीटे माउथ इसके बाद ब्रेन फिर फेरेंस हार्ट्स, सेमिनल वेजिकल्स ओवरी ब्लड वेजल्स क्रॉप गिजर्ड इंटेस्टाइन एंड द बॉडी टू एंड माउथ एंड एनस Nephridium is the mainly structure responsible for excretion.